कब से मेरे साहब क्वांग मैंने कहा बराबर 1 बजे आते थे, अभी क्या बजे ना एक बज गए। ये उंदो 1 बज गया, 1 बज गए। हवाले में हंगर रेडी है, चलो उतर के दे। बट्टे कह रहे लकड़ा दाल को जलाने का, ये बार नहीं कुत्ता मैं, नहीं कुत्ता। अब हाल साथ में क्या बोलना? ठहर मैं बोलता हूँ, हवाला कितने आदमी को दे, उसमें अकेला नापाक था, उसके हाथ से मैं हवाले में नहीं कुत्ता। साहब मेरे बेटे का नाम आकिब 14 साल का है साहब, उन्हें लंबा नहीं हो रहा साहब, उसके बारे में क्या तो करो साहब आप। बच्चा लंबा होना सो क्या भी टेंशन लेने जाओ ना को, बच्चा कितने केजी है वते केजी गुड़ मकान को दे डालो हो जाता काम। कितने केजी है बच्चा? 4-5 केजी भी नहीं है, क्या था उसमें? पैसा तुम्हारे वक्त लंबा होना सो क्या बच्चा? तुम्हारे वक्त केजी है, तुम्हें कितने केजी है वते केजी मकान को गुड़ दे डालो हो जाता तुम्हारा काम। और बिखरे नहीं सर का, 11 खन के दिन हवाला मुचे सो मट्टी वो ले लेके जाको घर में, पानी में गुला को डेली इतना पिलाते रहो, बच्चा लंबा हो जाता आते साल तक का, लंबा होते गए मानी 50 ग्राम का कड़ा चांदी का ले लेगा को दल दलो आते साल तक। अकेब अब तू क्या भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अकेब अगले मुहर्रम तक तो लंबा हो जाता, वो हवा लेके मट्टी लेके जा तुझे खलाना होता। क्या जे किसे खला रहे मट्टी? वो भैया मट्टी हवाले की मट्टी, हवाले की मट्टी खला रहे बच्चे को। यजमान अभी साया बोले हवाले की मट्टी का तो लंबा हो जा तुम्हें। नहीं तो बच्चा ले जे, तुमने को भी अकल नहीं क्या साहब? मट्टी खिलाओ बोले तो मट्टी खा लेते बच्चे को, वो मट्टी में के कंकरे पेट में से किडनी में जाको कितने प्रॉब्लम आते मालूम क्या तुमने को? उन्हों कर रहे सो गुना में तुम्हें भी शामिल हो गए अब। गुना कर रहे? कौन गुना कर रहे? गुना कौन कर रहे? हमारे इस्लाम की हिफाजत करते करते हमारे हजरत इमाम हुसैन अपनी जान तक शहीद कर डाले, तुम्हें लोग क्या कर रहे सो? उन्हों शहीद वे सो दिन ताशे थपटा मार ले को नाच ले को ये शिरक कामा कर ले बैठे तुम्हें। भाई उनके आंग में साहिबा को भाई बोले सो। क्या आंग में आको बोले? तुम्हें क्या तो भी तुम्हारे सच्चे दिलान से अल्लाह को तुम्हें मानने वाले रहते तो ऐसे जगह पर सभी तुम्हें कितने जने दिखते, वो पूरे है ना मस्जिदा में रहते थे तुम्हें। और मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूँ, हमारे पूरे इंसान की किसकी तो भी ऐसी औकात है हमारे हजरत इमाम हुसैन और हमारे हजरत इमाम हसैन हमारे जिस्म के अंदर आने की है, हमारी किसकी तो भी ऐसी औकात?